close? Haan, yes, yes. Perfect. Center, center, center. Sir, thoda left, 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 center mein. बहुत ही बड़ा सपना पूरा हुआ है, जैसे कि हर मेकर का एक सपना होता है कि एक फिल्म जब वो सोचते हैं और सोचने के बाद उसकी प्लानिंग होती है और फिर वो जब रिलीज़ पर आती है तो एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना खुली आंखों वाला सपना है, तो वो आज ये पूरा हुआ है। और राजू भैया आए हैं, अपने आशीर्वाद देने आए हैं, हमें सपोर्ट करने आए हैं। सो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी सौम्य जी को भी कि वो भी स्पेशल टाइम निकाल कर आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है ड्यूरिंग द प्यार में थोड़ा ट्विस्ट को लेकर, और वो जर्नी अब पूरी हो रही है, फिल्म थिएटर में आ रही है। सो आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। दादाओं की स्पेशल ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रही हैं और हमेशा सपोर्ट करने आते हैं, हर फंक्शन में आते हैं, बट इस बार उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो जिसकी वजह से दादा ने मैसेज दिया है। और बस दादा हमेशा इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहते हैं और आज आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी विशेष हमारे साथ हैं। जी। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट आज इसका ट्रेलर लॉन्च है और मैं यहाँ शुभकामनाएं देने आया हूँ पूरी टीम को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, लीडिंग पेयर को, मुकेश और भारती और मेरे तमाम साथी भी आए हैं। ये बहुत अच्छा मौका होता है जब एक फिल्म बन के तैयार होती है और मैं हमेशा प्रोड्यूसर जो आगे आता है फिल्म बनाने के लिए, तो मैं उसको हमेशा मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक प्रोड्यूसर आगे आने से बहुत सारे लोगों का काम मिल जाता है, बहुत सारे कलाकारों को, टेक्नीशियंस को काम मिलता है। तो बहुत ये मतलब हिम्मत का काम है ये। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा हो वो फिल्म बना ले, इसके लिए जिस तरह से मैनेजमेंट चाहिए, जिस तरह का पेशेंस चाहिए और जिस तरह से सब कुछ करना होता है, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ और दिल से मैं बधाई देने आया हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले, और जब अच्छी चले तो जाहिर है और फिल्म बनाएं। राजू सर, आप जहाँ भी जाते हैं हंसी मजाक का माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि खराब माहौल करने के लिए रहते हैं। हाल ही में जो शाहरुख गए थे अंत्येष्टि में पिताजी के, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी गलत बात है बेपत का बात नहीं, वो उसका जवाब जो अच्छा है वो तो है नहीं, वो कुछ गंदे लोगों ने ज़रूर उसको थोड़ा टर्न करने की कोशिश किया था, लेकिन शाहरुख ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, वो जो करना चाहिए और अपने धर्म के हिसाब से जो किया वो उन्होंने सही किया, उसमें कोई उनकी गलत मंशा नहीं थी। अभी पार्ट ऑफ लाइफ है, इंजॉय करना चाहिए उनको भी और इनको भी। मैं तो हंसी खुशी की बात करूँगा, बप्पीदा की बात की इन्होंने, बप्पीदा के हम सब फैन हैं, मैंने तो बप्पीदा के साथ बहुत शोज़ किए, बड़े ट्रेवल किया है। बीच में कोरोना के टाइम में बप्पीदा का गाना ख़राब हो गया था, एक गाना उनका है ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, कोरोना के टाइम क्या गाते थे लोग, बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। सो आज का विषय हम इसी फिल्म का रखते हैं और इसलिए कोई पॉलिटिक्स की बात हम अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, देखिए लता दीदी इतनी बड़ी हैं, इतनी रिस्पेक्टेड हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान है, वो उनकी कोई क्या तारीफ़ करे, वो तारीफ़ से भी बड़ी है, हस्ती है, शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से धूप छाँव हमेशा रहेगी, सूरज चांद हमेशा रहेगा, नदियाँ, गंगा जी, दरिया, ये हमेशा रहेंगे, इसी तरह से लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगी और उनके तमाम गानों से हर हिंदुस्तानी प्रेरणा लेता रहेगा। जी, मैं यही कहूँगी कि
कंटेंट इज द किंग. अगर लिखाई अच्छी हो और अगर कंटेंट अच्छा हो तो वो कंपटीशन में भी चलता है. और सबसे अच्छी बात जो अब हम देख रहे हैं वो ये है कि अच्छी लिखाई, अच्छा कंटेंट, उसको लोग सराह रहे हैं क्योंकि अब एक्सपोजर इतना हो गया है बाहर के कंटेंट को देखकर कि हमारी जो जनता है वो भी थोड़ी इवॉल्व हो गई है. तो मैं तो कहूँगी अच्छा है कॉम्पिटिशन हो तो और भी अच्छा है. जी मैं ऐसे रोल्स करना चाहूँगी जहाँ पर एज एन एक्टर मैं और इवॉल्व करूँ और ज़्यादा मुझे अपने, मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी किया था और मुझे मौका मिले कि मैं अलग अलग फैसेट्स एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर. तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है आई थिंक. मंजू केश मैंने इन से इस फिल्म में काफ़ी ग्रोथ देखी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग होती है. तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का एक मैंने चेंज देखा है. ऑफकोर्स उस वक्त ये स्टार्ट कर रहे थे एंड यू वर देयर एज पिलर्स. ये तो मजे हो जाएंगे फिर तब हमें दोबारा कास्ट कर लीजिएगा भाई. तो डेफिनेटली आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, एक प्रोजेक्शन. तो इन्होंने पूरा वो प्रोजेक्ट माउंट किया है ना, क्योंकि उसमें ग्रोथ इन मुकेश ऑल्सो एज एन एक्टर. और ऑफकोर्स दादा तो है ही हैं, मतलब उनसे फास्ट काम करने वाला मैंने देखा ही नहीं. कई बार मुझे होता था दादा हो गया, बोले हाँ. तो मुझे याद है मुझे वापस आना था उस फिल्म में और मेरे उस दिन 10 फोन कट्स थे और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे. मैंने बोला दादा नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा. बट ही सो फास्ट, फट 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 ही मैनेज. और आई थिंक 10 बजे रात को हमने फोन में पैकअप भी कर लिया था. तो दैट्स द स्पीड ही फॉलोज. तो एंड इतने मजे हुए हैं, यू नो ही नोज कौन सा शॉट लेना, ओल्ड स्कूल है ना, उनको पता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, वेरी गुड. और मैं सारी अपनी विशेज एंड ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी. आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर. एंड एवरी फिल्म इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और इससे भी कुछ सीख मिलेगी आगे जाके अगली फिल्म तक. तो हाँ उनको इधर यहाँ. मैं मुकेश जी और मंजू जी को कुछ ही वक्त से जानता हूँ, थोड़ा ही वक्त हुआ है. और जैसे मुकेश जी वहाँ पे जिम कर रहे थे कोविड के दिनों में, जैसे सौम्या ने बताया, तो वैसे ही मैं भी जिम में ही मिला हूँ इनको. मेरे नेबर्स हैं और इंसान बहुत बढ़िया हैं, बहुत मेहनती हैं और इतने ही कम वक्त में हमारा बहुत प्यार हुआ है. तो मैं बस उस प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ. और मैंने आके जब देखा है ट्रेलर, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको परफॉर्म करते हुए, मतलब मैं भौचक्का रह गया, मैं हैरान रह गया. क्या क्या लुक्स चेंज किए हैं, क्या क्या काम किया है, फुल एटीट्यूड दिया है एंड इट्स अमेजिंग. मेरी बेस्ट विशेज़ हैं क्योंकि ख़ास करके जिस माहौल में कोविड के बाद आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट को, अपने बलबूते पर खड़ा कर रहे हैं, जैसे राजू सर ने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए. एंड मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी जनता भी पूरा प्यार देगी, सपोर्ट देगी इस प्रोजेक्ट को. ऐसा है भैया, समेट कर सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि 18 फेब को फिल्म रिलीज होने जा रही है. दिल से दुआ है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सबके गुर्दे छील दे, मजा आ जाए, रायता फैला दे, चिरान इतनी बड़ी हो जाए कि मुकेश भैया जो है चमक जाए सितारे की तरह. तालियां बजा दो भैया. ये बात राजू सर ने तो कह दिया है, अब इनका आशीर्वाद मिल गया फिल्म को और पैसे भी मिल गए. अगली फिल्म की तैयारी करना बाकी है, अभी बाकी है. पिछले वाले मिल गए. मुकेश के साथ आई बोले कि मैं तुम्हें 2 years बैक 4 साल पहले मुलाकात की थी एंड दे ऑफर्ड मी रोल्स इन द प्रोजेक्ट्स बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स. लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा, ऑल दे सपोर्ट देम फॉर एवरीथिंग दे डिड. तो ऑलवेज इन देयर लॉन्चेस एंड म्यूजिक पार्टीज एंड एवरीथिंग. बस यही उम्मीद है कि वी विल समडे वर्क टुगेदर सून, यू नो. एंड आई सपोर्ट यूजर्स लाइक दिस टू कम फॉरवर्ड
put all their hard work and sweat and make movies, especially for the audience and of course for the industry. So this thing should continue on. So my best wishes always with them. Thank you. एक चीज ऐड करना चाहूंगी जी, यू नो फिर क्या है, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म बनती है तो बहुत लोगों को काम मिलता है, तो प्लीज फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू, आपका ऐसी आशीर्वाद। पार्थो दादा के बारे में मैं मतलब जितनी भी तारीफ करूं वो कम है, वो बहुत अच्छे इंसान है, पर्सनल बहुत अच्छे इंसान है वो। और मेरा एक्चुअली जो मानना था वो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ और उसके बाद एक अच्छे कलाकारों के साथ, अच्छे एक्टरों के साथ मेरा काम करना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छे एक्टरों के साथ काम करूं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जिसके भी साथ काम किया है वो अच्छे एक्टर के साथ काम किया है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, मुझे लगता है जैसे नीलू जी ने कहा कि थर्ड पिक्चर में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सीखा नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और बस आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार रहा और अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं कुछ आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी फिल्म बनाते हैं, जो भी निर्माता निर्देशक यूपी में बनाता है, तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने वहाँ जाके ये किया कि थोड़ा फास्ट किया है प्रोसेस को, जिनकी फिल्में बन के रिलीज़ हो के दो दो साल हो गया था, तीन तीन साल हो गया था, तो उनकी सब्सिडी क्लियर करवा दी है लास्ट मंथ। और दूसरा परमिशंस वगैरह थोड़ा ईजी करवा दिए हैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, और सिंगल विंडो परमिशंस मिल जाती हैं सारी। अब प्रोड्यूसर को थाने पुलिस स्टेशन वैसे भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह करवा देते हैं। तो फास्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग और आकर्षित होंगे फिल्म बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। जब से भैया जो है इस फिल्म बंधु में आए हैं ना, फिल्म बंधु मैं ये कहूँगा कि सुधर गया है, और जो काम नहीं होता था वो काम हो रहे हैं थोड़ा फास्ट। जो भी मतलब इतना फास्ट काम जितना भैया ने आके किया है ना फिल्म बंधु में, वो किसी ने नहीं किया। और बहुत ही आज यूपी उत्तर प्रदेश में जो है कई प्रोड्यूसर पिक्चर शूट करने जा रहे हैं राजू भैया की वजह से, क्योंकि राजू भैया ऐसे वो शख्स हैं जो हर एक प्रोड्यूसर की सपोर्ट करते हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। मंजू, सबसे बड़ी बात है ये बहुत कम मतलब लेडी प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री में कम है, सब ज़्यादा हमारे मेल है। तो जो फीमेल लेडी प्रोड्यूसर है हमारे मंजू, उसका अंदर बहुत एक एनर्जी जो होते हैं ना, एनर्जी सिर्फ नहीं हो, बहुत शांत स्वभाव किया है। जितना भी प्रॉब्लम्स हो पता नहीं चलेगा ये बहुत प्रॉब्लम में है, तो एक बहुत बड़ा उनको पास एक पावर है। और बिहेवियर इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे बिहेवियर किसी को साथ भी करते हैं तो लोग उसमें मतलब उनको ऊपर रेस्पेक्ट भी आ जाता है, जितने अच्छे बिहेवियर सामने से आता है। तो मैं उसी में ही फैन हो गया और उसी में मैं फंस गया है मतलब इनका भी। हाँ, अग्निसाक्षी, 100 डेज, गुलामे मुस्तफा, दलाल, कितने पिक्चर का नाम बोलूँ मैं। अभी ऐसे है, मैं कुछ पिक्चर है अभी प्लानिंग स्टेज पे है, थोड़ा ये दो साल में ऊपर नीचे हो गए, पर ये साल में कुछ ना कुछ शुरू होगा और ख़त्म भी होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत बेहतरीन फिल्म एक बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है बना भी डाली इन्होंने। और ये फिल्म इतनी इंटरेस्टेड है, खैर हम बता तो नहीं पाएंगे कि जब आप फिल्म देखोगे तो समझ में आएगी कि क्या है, क्योंकि अभी से अगर राज खोल दिया तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा सारा। लेकिन इसमें हर तरह की चीज़ है, हर तरह की कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी ज़्यादा है। बहुत अच्छा किरदार किया, ये देखिए सोमा जी बैठी हैं, ये हैं मेरे साथ, और मेरा करेक्टर इसमें ज्वाला सिंह का है जिसको मिस्टर वांटेड के नाम से जानते हैं लोग, और मेरा तकरीबन
सब करेक्टर्स के साथ मेरा करेक्टर है जो इन सबको स्टार्ट टू एंड, हाँ स्टार्ट टू एंड, अगर मैं कहीं पे हूँ तो बातों में हूँ, कभी गांव वाले बात करते हैं, कभी पुलिस वाले करते हैं, मिस्टर वांटेड कौन है, असल में है ज्वाला सिंह, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। हाँ जी, चैन है जो सबको जोड़े रखे। हाँ जी, इसमें मेरा कैरेक्टर है कल्लू का, जो एक गांव का बदमाश लड़का है, बदमाश नहीं कह सकते, लाइक शरारती है ना, और थोड़ा सा लालची है और नशेड़ी है, है ना। तो ये जो अंकल जी बता रहे हैं बस इनको ही किडनैप कर लेते हैं, और हाँ फिल्म में देखिए, बाकी पोस्टर में दिख ही रहा हो, है ना, बाकी समझ बताएंगे आप। बताओ प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले से ही मैं इंजॉय कर रही हूँ तो ये शुरू होने का कुछ 2-3 महीने पहले से ही मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत चक्कर लगा मुकेश भाई के यहाँ आना जाना, और काफ़ी सारे ये भी मेरे आर्टिस्ट हैं और भी 2 आर्टिस्ट हैं, तो इनको लेके मैं ही आई हूँ यहाँ पे। हाँ सर बताओ, तो ये फिल्म के जरिए ये है, इनके भाई साहब है मुकेश जी, है ना, तो बोले आओ भैया से मिलवाते हैं, हम लोग बोले चलो। तो ऐसे मजाक में जाके हम लोग, हमारा शो चल रहा है अभी, भाभी जी और जीजा जी हम लोग करते हैं ना, तो वहीं से ऐसी पहचान हुई और बस बात बन गई। और तो खैर 5 साल से काम साथ में कर रहे हैं, फिर हमको ये फिल्म मिली, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, क्योंकि जब हम शूट करने गए वहाँ भी बहुत इंजॉय किया, जो मुकेश भाई हैं और मंजू जी हैं उनको मुझे हाथ से खाना खिलाया हुआ है, शूट करते वक्त हमने बहुत इंजॉय किया। और एक सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ, हमारे बाजू में इस फिल्म के राइटर बैठे हैं जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, और बहुत बेहतरीन फिल्म लिखी है। हाँ भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि कुछ अलग है, इतना तो कंफर्म है ये फिल्म की जो कंटेंट है वो सच में आप लोग को लगेगा कि कुछ अलग करने की कोशिश की हमने। सर मेरे फादर ही प्रोड्यूसर हैं इसमें, इस मूवी में, और पिक्चर बहुत ही अच्छी है, बहुत मसालेदार बनी हो। मेरा कैरेक्टर इसमें जो मेन हीरो है उनके फ्रेंड का है, और इनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस बहुत शेयर किया है, और सीखने को भी बहुत कुछ मिला इनके साथ मुझसे, और क्या, और बहुत बढ़िया पिक्चर बनी है। तो आप लोग देखिए, थिएटर्स में जाइए और इन्जॉय कीजिए मूवी को। थैंक यू। देखिए, आप इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी लोग गम मना रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी आवाज़ थी, मैं कहना चाहूँगा शायद वो आवाज़ की मलिका थी, और हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दुनिया में जो भी इंसान आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन लता जी हमारे साथ ता कयामत तक रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे नगमे दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने दिए हैं, कि जब भी हम गुनगुनाएंगे लता जी को ट्रिब्यूट करते जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही ज़िंदगी है। दूसरे के फिल्म में मैं क्या बात करूं? हाँ क्यों, मुझे क्या बात करनी है? जी जी हाँ, इनकी पहली दो फिल्म्स जो दो पल थे, और वो भी अनवीलिंग यू नो मैंने की थी ऑल सिटी टूर में, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी टू द प्रोड्यूसर मंजू भाटी जी, जो इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं फिल्म्स को, और ये दोनों का जो मिलन है ना फिल्म्स के साथ, मुकेश भाटी और मंजू भाटी का जो मज़ा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑफकोर्स बपीदा सर हमेशा उन्हें म्यूज़िक देते हैं, द म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर उन्हें प्यार देते हैं, आज वो नहीं आ पाए लेकिन उन्हें अपने ब्लेसिंग ज़रूर भेजे हैं उनके लिए। और इनके सिंगर्स होते हैं सारे टॉप सिंगर्स, चाहे वो शान सर हो, यू नो हमारे सारे सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, सारे ये रिनाउंड स्टार्स लेते हैं, जो भी इनके कलाकार हैं फिल्म में सारे रिनाउंड स्टार्स हैं। तो मैं बेहद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये प्यार में कौन सा ट्विस्ट है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बेहतर और सबसे अहम चीज़ है कैप्टन ऑफ द शिप, दैट इज़ पार्थो घोष सर। सो आई एम ट्रूली डिलाइटेड, और मैं सभी से कहना चाहूँगी दैट फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 18th इन थिएटर्स ऑन द 18th ऑफ फेब्रुवरी, और आज
इसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए ऑन वीनस मूवीज / YouTube. ऑल द वेरी बेस्ट मंजू जी, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो हम सारे सिटीज़ का टूर कर रहे हैं और इसका अनवील कर रहे हैं. प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, द फिल्म ऑफ टुडे, फेब 2022. ऑल द बेस्ट जी. मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नाइटिंगेल हैं हमारे भारत देश की, नहीं सिर्फ वर्ल्ड की, और जो उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को, कोई न दे पाया है आज तक, न देंगे. सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप और आपकी आवाज़, आपकी मुस्कुराहट, एंड ऑफ कोर्स आपके सारे तजुर्बे हम सबके साथ, न सिर्फ हम सबके साथ, बट फॉर द जेनरेशन्स टू कम, फॉर डेकेड्स टुगेदर, सेंचुरीज टुगेदर रहने वाले हैं. तो आई थिंक मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दैट हम जहाँ पर भी हैं, वी आर ऑल वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि उनका जन्म हमारे देश में हुआ, भारत देश में हुआ, और उन्होंने जो दिया है, खजाना दिया है, जो इंस्टीट्यूशन दिया है, तो डेफिनेटली वो सिनोनिमस है विथ म्यूज़िक. सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दैट हम्बल थैंक्स टू, थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू गाइस, शुक्रिया. प्लीज़ आप लोग नाश्ता वाश्ता ले लीजिए. अरे मेरा कैमरामैन कहाँ गया?